मियां महमूद रशीद साहब, पंजाब में किसकी हुकूमत है? चीफ जस्टिस का सूबाई वजीर से इस्तफसार। तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान की, महमूद रशीद का जवाब। पता नहीं नया पाकिस्तान बनना भी है कि नहीं, चीफ जस्टिस के रिमार्क। सारे शहर का गंदा पानी रावी में फेंका जा रहा है, आज तक वाटर फिल्ट्रेशन का काम ही नहीं हुआ, ये काम किसने करने हैं? चीफ जस्टिस साकिब निसार ने हुकूमत से एक हफ्ते में वाटर फिल्ट्रेशन से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लूट मार करने वाले सियासतदान टके टके की बातें करते और खुद को हीरो बनाकर पेश करते हैं। सूबाई वजीर इत्तला फयाजुल हसन चौहान मुहालफीन पर चढ़ दौड़े, कहते हैं कोई मीटर रीडर किस्म का और कोई सिनेमा का टिकट ब्लैक करने वाला सियासतदान है। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने सोसाइटी के डायरेक्टर फैसल अमीन भट्ट को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैप के हवाले कर दिया। फैसल, क्या आप भी बार्गेन करने जा रहे हैं? अदालत का इस्तफसार। जी मैं तैयार हूँ, जितने का हिस्सेदार हूँ, कैसर अमीन भट्ट का जवाब। अदालत का मुल्जिम को 4 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। कैसर अमीन भट्ट 4 रोज से नैप की तहवील में थे। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के साबिक कमिश्नर अफजाल भट्टी का नाम ईसीएल से निकालने का मामला। वाजिबुल अदा रकम की अदायगी से मशरूत अफजाल भट्टी 50 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करवाने को तैयार हैं। डीजी नैप लाहौर, 65 लाख कौमी खजाने में जमा करवा दें तो आजाद हैं, नाम ईसीएल से निकाल दिया जाएगा। अदालत। सानहा मॉरल टाउन केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नई जीआईटी के कयाम के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस ताकिब निसार बेंच की सरबराही करेंगे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी बेंच का हिस्सा होंगे। बाकी 3 जजेस का ताल्लुक दीगर सूबों से होगा। 5 दिसंबर से सवाल शुरू। नई सरकार, पुरानी रवायात, अर्बन यूनिट, LWMC, लाहौर पार्किंग कंपनी, कैटल कंपनी और फूड अथॉरिटी के बोर्ड्स को तहलील हुए 120 रोज गुजरे। बोर्ड्स के इजलास हुए, ना चेयरमैनों की तैनाती, बड़े और अहम फैसले भी रुक गए, अफसरान भी तजब्जुब का शिकार हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से बोर्ड ना बनाना फैसला साजी में बड़ी रुकावट बन गया। कैनाल रोड के अंडर पासिस की हालत इजार, लाहौर न्यूज ने उठाई आवाज, तो LDA और कीपा हरकत में आ गए। कहीं बैरियर्स की तंसीब शुरू तो कहीं नई शील्ड बार और साइन बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए। 20 करोड़ रुपए से डॉक्टर अस्पताल से मुगलपुरा तक अंडर पासिस की हालत बेहतर बनाई जाएगी। सियासत का शौक बचपन से ही था, तालिबात तालीम के साथ हम निसाबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लें। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मिन राशिद की कनेट कॉलेज में खवातीन के हकूक पर मुबाहसे में सियासत के साथ जाती जिंदगी पर गुफ्तगू। नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हर दिल सरशार। 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। झंडियां, बर्फी कुमकुमे और दीगर सामान, गंपत रोड पे सजावटी अशिया खरीदने वालों का रश, आशिकान रसूल की बड़ी तादाद उमड़ आई। अलहमरा में आलमी सीरत का कॉन्फ्रेंस, सूबाई वजीर औकाफ सैयद सईदुल हसन, डायरेक्टर जनरल वजारत मजहबी अमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, सेक्रेटरी औकाफ जुल्फिकार घुम्मन, खतीब बादशाह मसीर अब्दुल कबीर रजा, ताहिर अशरफी समेत दीगर उलमा कराम की शिरकत। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद के बेटे के मामले का ड्रॉप सीन, पुलिस का यू टर्न, हसन महमूद समेत तमाम अफराद बेगुनाह, पुलिस एहलकार के कसूरवार करार। एहलकार नदीम इकबाल, उस्मान मुश्ताक और उस्मान सईद पर महकमे की बदनामी का लगा दिया दाग, 20,000 रुपए की रकम छीनी और मजीद 50,000 रुपए का मुतालबा किया। तमाम एहलकार आती मुजरिम है, एहलकारों के खिलाफ FIR दर्ज, गिरफ्तार, स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार, नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश। जराए ग्रीन टाउन के इलाके में सुनहरी बैंक में डकैती की वारदात का मामला,
थाना सत्तूकतला में FIR दर्ज कर ली गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मुलजिमान से तफ्तीश जारी। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड और चार डाकू को 9 करोड़ से जायद करेंसी लूट कर फरार होने वाले थे के मुकाबले के बाद डॉल्फिन और पीडी स्पॉट ने गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ पंजाब पुलिस का बजट बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ शहर में क्राइम का ग्राफ। कई नई फोर्सेस के क्याम के बावजूद भी संगीन जुर्म की वारदातें कम न हो सकी। रवासा सूबे भर में अगवा बराए तावान की 45 वारदातें। कई बच्चों और खवातीन को अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने भी लूटमार मचाई रखी। सिर्फ घरों में 12,000 से ज्यादा डकैतियां। डकैती मजाहमत पर 134 बेगुनाह शहरियों को कत्ल कर दिया गया।